पाकिस्तानी सही तरह के खाना खाना तो ऐसा खिलाते हैं। ये देखो ये राजस्थानी थाली। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। वापस यहीं से शादी के घर से। फिलहाल तो अभी दिन शुरू हुई है दोस्तों, शाम को आके रिसेप्शन है। आज दोपहर को ना मारवाड़ी खाना है। आज आके पहली बार वेराइटी ट्राई करने वाला हूँ, वो भी राजस्थान में रहकर। राजस्थानी खाना खाने का मज़ा अलग आएगा, ऐसे बोलते हैं। फिलहाल तो अभी चलो, अभी कुछ एक दो फंक्शन है अटेंड करेंगे, इसके बाद शाम को खाएंगे मस्त। देखो दोस्तों, फोटो लेने के लिए भी झगड़ा है, यहाँ से लेके यहाँ पर ले, दोनों तरफ से दोनों खराब है। देखो सब एक साइड उप जाओ तो अच्छा है ना। हाँ वो भाई ले बैठ। हाय हाय बता है मुझे, बोल जा सबको। नंबर हल तो कैमरा वाला ही है, कैमरा वाला अलग से फिलहाल का लगते हैं बेफालतू का, मतलब किसके पास ही फोन है, सब कैमरा वाले बन जाते हैं। फोटो लेते हैं। नंबर देखो, मारवाड़ी खाने के लिए सेटिंग क्या हुआ, जैसे कि लाल बाटी चूरमा यहाँ का फेमस। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, ऐसा सेटिंग करके बैठ दिए। देखो मैं भाभी के साथ बैठने वाला हूँ, देवपुर भाभी, जोधपुर भाभी, ये बच्चिया के साथ आज खाएंगे दाल बाटी चूरमा। राजस्थान में आके राजस्थान का खाना खाऊंगा पहली बार, वापस तो खाए बिना जा नहीं सकते ना। फाइनली आके सब थाली तैयार हो गया, अभी थाली को दिखाने वाला हूँ। एकदम मस्त लग रहा है, देखने के लिए भी खाने का मन होगा ना, वैसा वाला सीन है। ये देखो ये राजस्थानी थाली, लड्डू आएगा वो आने दो। अभी फिलहाल तो देखो बाटिया, मसाला बाटिया, ताके पकौड़ा, लहसुन की चटनी, खिचड़ी, खड्डी, दाल, गट्टे की सब्जी, बताके दही, और हम लोग साथ में सब लोग ये पता नहीं है क्या करके। फिलहाल तो जो मेन है तो मीठा दिए, नहीं तो मीठा हाँ श्रीखंड। अभी ये टेस्ट करेंगे भाई, यहाँ बैठ के यहाँ का खाने खाना खाने का मजा अलग आता है बोलते हैं। अब मैं भी ट्राई करके वो खाने वाला हूँ। तो देखो लड्डू नहीं आया ना, लड्डू भी अभी आ गया दोस्तों। देखो देखो बस बस दोस्तों, अभी तक खत्म नहीं हुआ। जैसे कि हम लोग खाना स्टार्ट करता है, एक एक करके आता रहता है। एक तो अलग कलर का लड्डू आ गया, गुलाबी हलवा है, गुलाब का कैसा हलवा है? नहीं वो उन्होंने अलग कुछ दिया था, गुलाब का ले। और देखो दोस्तों, हम लोग खाना हो गया, ऐसे बैठ के खिलाते हैं यहाँ पर, यहाँ मस्त लगता है। इसको राजस्थानी सही तरह के खाना खाना तो ऐसा खिलाते हैं। हाँ दोस्तों, सब लोग रिसेप्शन के लिए तैयार होने लगे, हम भी होएंगे, हमको 5 मिनट चाहिए, बस 5 मिनट में सब तैयार होता है। तो बच्चों लोगों को टाइम लगता है ना, इसलिए हम लोग आराम से रहेंगे। बड़ा दो छोटा डोज सब चलता रहता है, मस्त तैयार हो गया। चलो अभी रिसेप्शन के हॉल के अंदर चलते हैं। वैसे भी आके दूल्हा दुल्हन आने में और 1-1.5 घंटा लगेगा। टाइम जो बोलते हो टाइम पे आती नहीं है, बारात भी आती नहीं है, सब कुछ ऐसे ही होता है, नॉर्मल ही है वो तो। शादी में जिस टाइम पे बोलते ना, वो 1 घंटा लेट ही होता है सबको आके। चलो चलते हैं नीचे, फिर भी बाल परेशान कर रहे हैं मुझे। यहाँ पर सब खड़े बैठे हैं, यहाँ पर ही दोनों बुआ साहब बैठी है, बुआ बैठी है, बड़ी मम्मी बैठी है, दोनों बुआ बैठी है, और क्या चाहिए दोस्तों। साफ साफ हाँ पता बैठना है। बहन की शादी है, पहनना तो पड़ेगा, भैया बनाएंगे अभी साफ। पट 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 बता यहाँ पे तो पहनाने वाले हैं, भारी लग रहा है।
गाड़ी लगता है, कैसा लगता पता नहीं, बाद में फोटो खींचेंगे। ठीक है, अभी इसे ना आएगा सेंट लगा दे हाथ में, कुछ दे रहे मुझे पता ही नहीं है क्या क्या करें। वो बोल रहे कान में लगाओ। हाँ यार मैं लगा, खुशबू आ रही है। अच्छा है, बारात आने में देर हो रही है, इसके लिए हम लोग अंदर आ गए। ये देखो दोस्तों, यहाँ पर पनीर टिक्का, यहाँ पर पास्ता पिज्जा, यहाँ पर भी इतना फेमस चल रहा है पास्ता पास्ता पिज्जा, यहाँ पर पिज्जा, यहाँ पर आगे पनीर टिक्का, पास्ता, दो वेराइटीज के वो भी। 8:30 हो गया, अभी बारात आने वाली है फाइनली, सब तैयारी के लिए हो गई। तो साउंड आ रहा है वहाँ से, देखा वहाँ से साउंड आ रहा है, बारात आने वाली है, सब लोग तैयार हो गए हैं। बस हवा निकल गई, एंट्री हो रही है, दूल्हा दूल्हन के अभी दो दूल्हा दूल्हन के आए हैं। दोस्तों निकल गया दोस्तों शादी के घर से, बस अभी आके वापस चेन्नई बुला रही है हमको, दो और एक दिन होगा शायद, बस कल एक दिन का टाइम है मेरा, बस परसों निकलना है मुझे वापस चेन्नई के लिए। मगर भाई मजा भी बहुत आया, रोना आ रहा है मगर चलेगा, अभी रोना आता है, कंट्रोल हो जाता है भाई, कैसे पता नहीं, आदत से मजबूत। चलो अभी चल रहे हैं कार में, वापस जा रहे हैं बड़ी मम्मी और बड़े पापा के घर पे, चलो पीछे आग जा रहे हैं। देखो सही बात है, तो कार में बैठ गया, रात को पहुंच गया यहाँ पे, आपको पता ही है वैसे तो, पीछे आग पहुंच गया बड़े पापा के घर, यहाँ पर आके ना इसमें सोया, हमें मचा मचा बोलते हैं इसको, इसमें सोया और आके मस्त नींद आई भाई। अरे मतलब वहाँ तो रूम जल्दी खाली कर दिया, अच्छा हम लोगों ने रात को ही आके ट्रैवल करके यहाँ पर आके पहुँच के। चलो भाई इसी के साथ मेरा भी ये व्लॉग खत्म होता है, यू आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो बिना बोले लाइक और शेयर कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना, मिलता हूँ आपको अगले व्लॉग के साथ भी। हैप्पी टाटा बाय बाय, सुनती हूँ।